जय भैरव बाबा की। गुरु कुछ दिन बाद मार्गी होने जा रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में गुरु की चाल की परिवर्तन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु को सुख समृद्धि और ज्ञान का कारक माना जाता है। वर्तमान गुरु वक्री अवस्था में मकर राशि पर संचार कर रहे हैं। शनि की स्वराशि मकर में गुरु 120 दिन बाद मार्गी होने जा रहे हैं और गुरु कब मार्गी होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्योतिष गणना के अनुसार गुरु 20 जून 2021 को कुंभ राशि में वक्री थे। गुरु अब जो है 120 दिन के बाद मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। हमारे जो हिंदू पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर 2021 मंगलवार को गुरु वक्री से मार्गी होंगे। मकर राशि को गुरु की नीच राशि माना जाता है और मार्गी गुरु का राशियों पर प्रभाव और गुरु मार्गी होने के बाद कुछ राशियों वालों को शुभ परिणाम देंगे। हमारे ज्योतिष के अनुसार मार्गी गुरु कर्क धनु और मीन राशि वालों को नौकरी में तरक्की मकान और वाहन सुख प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही कन्या और वृश्चिक राशि वालों की नौकरी में तरक्की मकान और वाहन सुख प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही कन्या वृश्चिक राशि वालों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। वृषभ सिंह और मकर राशि वालों को इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मीन राशि वालों को शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में उत्तर परिणाम मिलेंगे। गुरु की जो स्वराशियाँ है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनु और मीन राशि को गुरु की स्वराशि माना गया है। कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं। इसके साथ ही गुरु को पुनर्वसु विशाखा पूर्वा और भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों मैंने आपको बताया कि 18 अक्टूबर को जो गुरु है वापिस मार्गी होने वाले हैं और क्या परिणाम मिलेंगे इसके जो उपाय हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव बाबा की।